तू क्या यहाँ पे चल जाना चाहिए अगर खुदा डांस गाइस कैसे हो आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने भावेश सर की शादी में। हमारे सर हैं, हमारे दादा भी हैं, भैया भी हैं, मतलब सर भी हैं, सर भी बोलते हैं हम, दादा भी हैं, तो उनकी शादी है आज, तो उन्हें इनवाइट किया था। तो आज मैं जा रहा हूँ उनकी शादी में, ब्लॉग बना के आऊँगा एकदम धांसू ब्लॉग। वैसे मैं सोच रहा था ज़्यादा स्मार्ट बन के जाऊँ, बट जिस हिसाब से अपना तो तैयार होके बस ऐसे ही जैकेट डाली और चल देते हैं और आपको मिलाते हैं। भावेश सर की शादी है, भावेश सर से और नाइट की शादी है, रात की शादी मतलब, ठीक है। होटल में जा रहे हैं हम आज, तो दबा के खाना खा के आना है पहले, तो वही है ना शादियों में दबा के खाना खाने में भी मज़ा आता है। तो गाइस मिलते हैं आपको, ठीक है। तो गाइस देख सकते हैं आप, मुंह में बहुत ही गंदा ग्लो आ रखा है, पता नहीं कौन सा, इधर पे फोड़ भी उठ रहा है, इधर पे बहुत ही खतरनाक फुंसी हो रही है, इधर पे फोड़ मतलब फुंसी, ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। ये अनिकेत भाई देखो, देखते ये भी तैयार हो गया, मैं भी तैयार हो गया, अब जा रहे हैं हम शादियों में, मिलाते हैं आपको, जुली जुली वाला डांस दिखाते हैं अपना। मैंने मुंह बंद कर लिया है क्योंकि यार मुंह ठंडा हो जाएगा तो वहाँ गंदा दिखेगा, तो मुंह फट जाएगा, तो इस हिसाब से हमने मुंह सब देखो आतंकवादी जैसा बना दिया है। आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती, तो हमारी आज भी प्रेम कहानी नहीं बनेगी वहाँ। गाइस रात का दिखाते हैं आपको, बहुत ही खतरनाक, देखो ये इतनी ठंड है, बाप रे हाथ ठंडी है इतने, तो गाइस बहुत ही ठंडा हो रहा है यहाँ पे, इतनी ठंड तो पहाड़ में कभी नहीं देखी जितनी आज हो रही है, बाप रे। तो गाइस ये देखिए झूमर वालों के साथ उधर मिलाएगा, तो सर कैसे हो, मुझे पहचानते हो, कैसे मुझे पहचानते हो, जानते हो ना, देखो भाई कोई बैंड बाजे से लेके सब पहचानते हैं, देखो भाई जी कैसे हो, एकदम भोंपो भोंपो बजा देना, भोंपो भोंपो कर देना, मतलब सिस्टम हैंग, हाँ भावेश सर की शादी है, मतलब सिस्टम पूरा हैंग करना हुआ, मतलब हाँ सर आप क्यों नाराज हो, आराम मिल रहा है, सब ठीक है। तो गाइस बैंड बाजों के साथ मिलते हुए हम अब जाएंगे अंदर एंट्री गेट पे। ये है विनोद बडेला जी, छात्र नेता, ये देखो बिट्टू जी, ये हमारे बडेला जी, ये मनीष भाई, ये सारे अपने भाई लोग हैं, देखो ये अजुदा हमारे शिवाय फैशन कलेक्शन वाले बंदे। ये है दुल्हे के, ये है दुल्हा के छोटे भाई, प्रसाद कराए, देखिए लेख नहीं लगाए हैं, बट दिखने ना लगा लेख, लेख नहीं है, और ये हमारे भाई साहब पहचान लिया मुझे, भाई ने पहचान लिया। तो गाइस यहां पे चल जाना चाहिए अगर खुदा डांस, लड़की को नींद आ रही है, लड़की के देख मुंह में मक्खी चले जाएगी यार, देख सकते हैं आप, दिखा रहा हूँ आपको फुल अपडेट, टेंशन ना, भी भावेश सर से भी मिलाते हैं। कफलांग के सुपरस्टार, कफलांग के सुपरस्टार योगी भाई, योगी भाई हाथ तो मिलाओ सर बड़े, ये देखो ये ओके ब्रो ब्रो ब्रो, और भाई क्या हाल है। तो यहाँ पे दूल्हा के भाइयों का फोटो शूट चल रहा है, बहुत ही खतरनाक। गाइस दोस्तों का मतलब, हम भी दोस्त है बट अभी हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, मतलब सर जी कैसे हो, एकदम भोंपू भोंपू अच्छे से बजाना, ठीक है, खाना पीने की व्यवस्था हम कर देंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है, भोंपू मस्त तरीके से बजाना हुआ मतलब, ठीक है। ब्लॉग बना रहा हूँ अब क्या करूँ, मेरा भी तो देखना ही हुआ ब्लॉग भी, शादी भी देख लेंगे ब्लॉग भी बना लेंगे क्यों। के लड़के देखो फुल सेट, मामा के लड़के का फुल सेट, बॉडी गार्ड लवली सिंह,
लेके भाई क्या डांस कतई जहर कतई जहर। ये हमारे पप्पी भाई, ये पप्पी भाई के बड़े ठेकेदार, लोहागढ़ में ठेकेदार। यहाँ पे फिर से ब्लॉगर भाई मिलते हुए हमें। हेलो जस्सी भाई, हमारे बहुत ही सर, हमारे नवीन भाई कहाँ हैं? नवीन भाई का था स्रोत बात करना था उनका थोड़ा। और हमारे सचिन भाई, स्मार्ट बंदा, बहुत देखना है बचपन का यार। हेलो सर, सन्ना भाई। और ये हमारे भाई साहब, ये सभी मतलब शादी में आए हैं भाई दागी, हम भी आए हैं वल्लभ कुल मिलकर। हम तुमको फुल स्वैग डांस सबका फैमिली डांस। ये हमारे कराची, देखो ये हमारे परम मित्र कराची, कराची फुल फॉर्म में। सर नमस्ते। नमस्ते सर, ये हमारे सर जी, ये हमारे कॉलेज के टीचर हैं और ये बहुत ही अच्छे सर है हमारे। मैं पहाड़ी, मेरा अमले पहाड़ी, मेरे बुबले पहाड़ी वाले गाने में डांस करो यार। मुझे मिल चुका है 10 रुपए, देख सकता उनका जोड़ ले। तो गाइस मैं जाऊंगा इनको 10 रुपए। ये लो सर, बजा लो, आ जाओ। ना छट्टी बजूले, ओह क्या जमन बिगाड़ो करी ना बजूले। यहाँ पे लड़कियों का बहुत ही खतरनाक डांस। ये देख सकते हो हमारे दूल्हे राजा, बहुत ही स्मार्ट बंदे। तो कहते क्या आप स्लिपरी वाले भैया फुल फॉर्म में राजा फोटो खींचाने में बहुत व्यस्त है, तो अभी मिलेंगे उनसे, ठीक है, अच्छे से मिलाएंगे। अभी फोटो खींच लेना, मजा नहीं आया, कोच खराब हो जाएंगे खाली ग्लॉक के चक्कर में। फैमिली के सुपरस्टार सौरभ भाई, और कैसे हो अधिकारी जी? बहुत बढ़िया। और ये भैया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम करते हो, मैंने देखा इनको, ये बनाते हैं वो क्या कहते हैं उसको, आयुष्मान कार्ड अगर बना रहे, ठीक है, ये भाई आयुष्मान कार्ड बनाते हैं। तो गाइस आप दूल्हे के क्या हो? तो गाइस देख सकते हैं आप, हम दूल्हे के क्रिकेट प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर है दूल्हे के, ठीक है। ये भाई भी ओके ओके भाई, चलो मैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, देख सकते हैं, देखिए ये सारे बिग फैन है मेरे, बिग फैन बिग फैन। रोहित सिंह, ये छोटा कैमरामैन, ये अर्जुन लोटा, हमारे दोस्त बिग फैन, देखिए सारे बिग फैन है मेरे, ठीक है ठीक है।
अरे भाई सारे ये हमारे भाई है सागर भाई, सागर सामंत। शादी में फुल एंजॉय ले रखा, बहुत ही मजा आ रहा है। मतलब गाइस बिग फैन देखे मेरे, वो सारे मेरे बिग फैन थे पता आपको। आपका बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद बहुत बहुत बधाई। ये आदि, ये आदि पकड़ो इसको, ये देखो एकदम भांगड़ा, पहाड़ी भांगड़ा। आपने तो ड्रोन देखा नहीं होगा, हम दिखा रहे हैं। बारात निकल चुकी है, आप जाइए गेम सिटी में, हम दिखाएंगे आपको बहुत ही बढ़िया साली। आओ बहुत ही जल्दी पहुंचने वाले हैं। सर जी कैसे हो, कैसे हो सर? ये हमारे जित्तू सर, इनकी शादी में भी एक दिन डांस करना है हमने बहुत ही जल्दी। तो गाइस हम जा रहे हैं बारात में, तुम्हें सालिया दिखाएंगे और हम खाना खा के घर को आ जाएंगे, सीधी सी बात हुई। क्योंकि यार रात बहुत हो रही है, ठंड भी बहुत है, तो हम जा रहे हैं अनिकेत भाई और मैं हैं बाइक में, ठीक है। ऐसे है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देख सकते हैं आप, और हम जा रहे हैं शादी में, आप देख सकते हैं आप जहाँ पे दुल्हन रहेगी और हमारी सालिया रहेंगी। हम चल गए हैं ग्रीन सिटी में। ओहो यार और दिख गया, ये देख सकते हो मेरा बिग फैन। और विपिन क्या हाल है, फिर से नजर आ गया यार मेरे ब्लॉग में। ब्लॉग नहीं देखा मेरा है? ब्लॉग नहीं देखा मेरा? देखा। मजा आया ब्लॉग देखने में? हाँ। देखो ये बिग फैन है, ये भी तो मिल चुका है मुझे। अब हम करेंगे एंट्री, गेट एंट्री। तो गाइस देख सकते हैं आप, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है भाई, हम दूसरी जगह तो नहीं आ गए भाई। ठंड दिनों पे यानी करना चाहिए, मुंह देखो भयंकर कितना लाल हो गया है, भयंकर गर्मी तो है नहीं, ठंडा ही ठंडा है यहाँ। माँ इस हालत देखो, नाक देखो कितना लाल हो गया है मेरा ठंड से। पहले खा लेते पेट पूजा, आते ही पेट पूजा कर लेते, उसके बाद होते रहेगा। मतलब पहले होगा खाना, फिर उसके बाद होगा बुझाना। क्यों पहले खाएंगे हम खाना? देखो मैंने कितना सारा खाना डाला है, देख सकते हो आप। ये अन्नू भाई हैं, देखो खाओ पियो ऐस करो मित्रों वाले हैं ये भी। गाइस खाना खाना खा लिया, अब जा रहे हैं हम घर को, क्योंकि बारात का बहुत ही लेट टाइम है बोला, और हम लेट तक जाग नहीं सकते हमारी आदत नहीं है लेट तक जागने की, तो सालियों से हम नहीं मिला पाए दुर्भाग्यवश। तो गाइस नारायण अंकुद आगे साथ में फुल एकदम मस्त सालियाँ दिखाएंगे, टेंशन मत लो। तो गाइस ऐसा ही है ना, पहाड़ों में रात की शादी में ठंडा ज़्यादा हो जाता है आजकल,
दिन की शादी में दिखाएंगे तुम्हें एक से एक, ठीक है? टेंशन मत लो। तो गाइस ऐसी हालत हो रही है, देखो ये ठंड से यहाँ से यहाँ देखो ये हालत बहुत खराब हो गई है। नेपालियों की तरह जा रहे हैं हम। तो गाइस नेपाल ये देखिए कितना ठंड पड़ी है, देखो ये मन्नू भाई के अध्यक्ष जी, ये अध्यक्ष जी ऐसा डरा ना कि ठंड में अपने शरीर को जितना बचाया जाती है बचा लेना चाहिए, अपना लास्ट में शरीर ही काम आएगा, कोई साथ नहीं देगा। तो इसलिए बढ़िया करके घर जाओ और कंबल के अंदर छिप जाओ और साले करके पार्टी करो। साले आना दिन में दिखा देंगे, अभी रात का टाइम ऐसे ही काम चला लो। देख सकते हो 12 बजे शादी है, वहाँ पहुँचेगी बस, तब तक तो हम सो जाएंगे भाई, दो नींद आ जाएंगी। तो हमने खाना आना खा लिया, मेन टारगेट इनका था भावेश सर से मिलना और खाना खा के घर को आ जाना। बिकट ठंडा हो रखा है, बिकट ठंडा हो रखा है, देखो ये हालत ही बदल रहा है, देखो ये देखिए गाइस बहुत बुरा हाल है। गाइस देख सकते हो आप शादी यही है, हम खाना खा के आ गए। हेलो गाइस, हेलो गाइस, एक बार इतना हल करो के, इतना हल करो के कह रहे हैं अध्यक्ष जी, एक बार सन्ना देखे जाते। ओ भाई भाई भाई, ओ ब्रो ब्रो ब्रो, लोग हाँ सन्ना है कति। तो गाइस हम निकल चुके हैं, देखो ये बहुत ही बुरी हालत हो रही है ठंडे से, मुंह फट जाएगा मेरा गाइस। तो गाइस ये देखिए, ये देखिए शासन प्रशासन आगे जा रहा है, सौरभ सूरज महर ये निकला है। फाइनल मैं पहुंच चुका हूं घर शादी से, तो अब सो जाते हैं। भाविष्टा को शादी की बहुत बहुत बधाइयां, खुश रहो मस्त रहो, आपको आपका जीवन सफल बने और ऐसे ही आप तरक्की करें। ठंडा हो रहा था यार, हालत ख़राब हो रही थी, तो हम आ गए खाना खाने। फिर हम दूर भी रहते ना, थोड़ा पास में होते तो चल जाता, तो हम आ चुके हैं घर। तो इसी के साथ मेरा ब्लॉग आज का ब्लॉग समाप्त होता है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में फुल इन्जॉय के साथ मिलेंगे, और आपको सालिया भी नहीं दिखा पाया, बट अगली बार जब अंकिता की शादी होगी तो हम दिखाएंगे, बहुत ही जल्दी होने वाली है, ले जाएंगे आपको।